अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी और आगे लंतंद्रे नम देश नम देश नम देश पाकिस्तान नम देश तक बरतितो नम देश पाकिस्तान आ होतितो सैकड़ों मोदी भी अगर पैदा होंगे ये देश को पाकिस्तान नहीं बना सकते। इस देश की तहफ़ के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मर मिटने के लिए तैयार है। मतम भारत हिंदू राष्ट्र मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया पूरी दुनिया उनको सलाम करती है और हमारे ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, MLA इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, MLA का नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप इलेक्शन लड़ने वाले लोगों की सोच अगर है तो आपका कोई हक नहीं बनता इलेक्शन लड़ने का। कोई हजरत खाजा बंदे नवाज दरगाह और छोटी दोड़ी के पास जाकर वहाँ पर सामने ठहर कर उन्होंने बयान दिया कि यह गुलबर्गा शहर जो है गंगा जमुना तहजीब की बात करता है, ऐसी बात करने वाला है यहाँ पर एक तरफ बात करता है फिर दूसरी तरफ एक बात करता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। कल से एक वीडियो गुलबर्गा उत्तर नॉर्थ के बीजेपी के उम्मीदवार के जानिब से एक उनकी स्पीच उनकी तकरीर सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे वो वायरल हो रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात उनकी अपनी तकरीर में उन्होंने किया है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसे 10 मोदी ऐसे 10 सैकड़ों मोदी भी अगर पैदा होंगे तो ये देश को पाकिस्तान नहीं बना सकते। इस देश की तहफ़ के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मर मिटने के लिए तैयार हैं। और आप जैसे घटिया सोच रखने वाले छोटी सोच रखने वाले जात पात पर लोगों को बांटने वाले लोग ऐसे बयान देते हैं। मैं वो उम्मीदवार को यह कहना चाहता हूं कि आप शायद बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं इसलिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाला आदमी वो स्टेज पे ठहर कर बड़े बड़े बात कर रहा है कि ये मुल्क को मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये अगर मोदी जी नहीं होते तो ये मुल्क पाकिस्तान बन जाता और हम पाकिस्तान चले जाते। ये कैसे कैसे बात कर रहे हैं? शायद आप और आपके जितने भी वो लीडर हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हैं। मुझे तो लगता है ये लोग पाकिस्तान के अम्बेसडर हैं, ब्रांड अम्बेसडर हैं, जो बार बार अपने तकरीरों में पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ पर बच्चा बच्चा जो है इस मुल्क के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की तौहीन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया पूरी दुनिया उनको सलाम करती है और हमारे ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। प्रीएम्बल पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, MLA इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, MLA का नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप इलेक्शन लड़ने वाले लोगों की सोच अगर है तो आपका कोई हक नहीं बनता इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि जब तक आप संविधान को नहीं मानेंगे आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। ये बाबा साहब का अम्बेडकर जो है अम्बेडकर के वहां पर उनको ओथ लेने के बाद ही वहां पर MLA बनते हैं। MLA बनने से पहले आपकी ये हालत है तो ये जाहिर होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो सबसे पहला पेज जो प्रीएम्बल आता है, प्रीएम्बल में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रेटर्निटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात प्रीएम्बल कहता है। वी द पीपल ऑफ हिंदू नहीं कहते, वी द पीपल ऑफ मुस्लिम नहीं, वी द पीपल ऑफ क्रिश्चियन नहीं, वी द पीपल ऑफ सिख नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहब के लोग यहाँ पर रहने वाले, इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी रिपब्लिक डेमोक्रेटी फ्रेटर्निटी जस्टिस इक्वालिटी की बात करना होगा। और यहाँ पर साथ ही साथ प्रीएम्बल के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप जाकर पहले संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A खोले किताब खोलिए, किताब खोलकर पढ़िए, कम से कम पढ़िए। सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट के साथ हर सिटीजन की एक ड्यूटी भी होती है जो संविधान के अंदर है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी है, प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर की बात किया गया है। फंडामेंटल कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या है, गंगा जमुना तहजीब की हिफाजत करना होगा। गंगा जमुना की जो तहजीब इस मुल्क में है उसकी उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इस मुल्क के हर शहरी की है। और ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग बड़े बड़े वोट के लिए
वोट के लिए आप अच्छे काम की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, मंगने का हक हर, ये डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर हर किसी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का हक है और आर्टिकल 19 के अंदर आपको स्पीच करने का भी हक है, लेकिन आपके साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। जब तक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर नहीं समझेंगे आप बेतु के बयानत नहीं दे सकते। तो मैं गुलबर्गा के आवाम से कहना चाहता हूं कि गुलबर्गा शहर एक तरफ शरण बसवेश्वर अप्पा की जो एक टेम्पल है, दूसरी तरफ हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर किसी को तकलीफ होता है, हिंदू को अगर तकलीफ होता है मुस्लिम जाकर ठहरता है, अगर मुसलमान को अगर तकलीफ होता है तो हमारे लिए हिंदू आकर ठहरता है। ऐसे माहौल के अंदर वोट के लिए, इलेक्शन के लिए ये लोगों के दिमाग को बांटने का काम बंद कीजिए, वरना यहाँ की आवाम, गुलबर्गा की आवाम आपको सबक सिखाएगी। उनके जो ही टिकट अनाउंस होने के बाद दरगाह को हजरत ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह और छोटी दौड़ी के पास जाकर वहाँ पर सामने ठहर कर उन्होंने बयान दिया कि यह गुलबर्गा शहर जो है गंगा जमुना तहजीब की बात करता है, ऐसी बात करने वाला है, यहाँ पर एक तरफ बात करता है फिर दूसरी तरफ एक बात करता है, तो आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आपका नज़रिया क्लियर नहीं है। यहाँ पर एकता की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ जात पात की बात करते हैं, तक डिवाइड करने की बात करते हैं। मैं जितने भी वो नौजवान हैं जो वहाँ जा रहे हैं उनके पास, बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ उनसे, ऐसे लोगों के, ऐसे दिमाग में जहर रखने वाले लोगों के पास अगर जा रहे हैं तो हमारे इत्तेहाद में दरार डालने वाली बात होगी। तमाम मुत्तहिद होना होगा, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग मुत्तहिद होकर ऐसे फिरका परस्ताखतों को शिकस्त देना होगा, जब जाकर ये गुलबर्गा शहर गंगा जमुना तहजीब का जो गहवारा है उसको कायम रखने का एक बहुत अच्छा काम होगा।